हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम जो विभिन्न नियम दिए गए हैं प्रांतों से रिलेटेड उसे बताएंगे। तो जो पहला है वो है पूर्णांकों के भाग पर पूर्णांकों के भाग की भाग के पूर्णांकों के भाग के जो तरह आपका जो कलम है वो है समरण समरक। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो समरक प्रबंध क्या होता है? यदि दो गुणांक ए और बी हों तो ए इंटू बी क्या होगा? एक पूर्णांक। ए और बी हो तो ए में भी क्या होगा? पूर्णांक। ठीक है, ए आपका पहला प्रॉपर्टी है समरण प्रॉपर्टी। यानी कि यदि दो पूर्णांक ए और बी हो तो उनका गुणनफल यानी कि ए टू बी भी एक पूर्णांक हो। यह दूसरा है क्रम भिन्न प्रबंध। क्रम विनिमय प्रबंध, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो पूर्णांक, ए और बी क्या है? दो पूर्णांक हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए होगा। ये आपका कौन सा प्रगुण है? क्रम विनिमय प्रगुण। इसके अकॉर्डिंग अगर दो प्रोग्राम की होती है तो उनका गुणनफल है कि ए टू बी इक्वल टू बी टू ए ए होता है। अगर सपोज ऐसे मान लो कि कोई एग्जांपल दिया है 3 × 4 तो वो निकल जाए ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। 3 × 4 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा और 4 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो भी 12 आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी वो क्या है? क्रम विनिमय प्रबंध। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी है साचल्य। साचल्य प्रबंध, इसमें क्या होता है कि तीन गुणांक होते हैं ए बी और सी, तीन गुणांक हूं तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी इन एसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय इन एसोसिएशन आप बी मल्टीप्लाइड बाय सी। इसे देखिए ए और बी का एसोसिएशन बना साचल बना। ठीक है, और इसमें क्या है? बी और सी का एसोसिएशन। फिर इसके आधार पर हम ए जो प्रगुण है इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं भी प्रगुण आपको मिलता है तो कौन सा प्रगुण कहलाता है? साचल्य प्रगुण कहलाता है। तो इस प्रगुण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिंपलीफिकेशन में मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रॉपर्टी है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण प्रगुण। अब ये दो होता है, एक होता है योग का वितरण प्रगुण और दूसरा होता है व्यकलन का वितरण प्रगुण। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट है योग का वितरण प्रगुण, योग
वितरण करवो। इसलिए क्या होता है कि अगर सपोज ऐसे किया है, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई बाय बी की रस्सी हो, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी में होगा, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा। इस तरीके आप इसको राइट कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में भी किया जाए। तो ए जो होता है गुणनफल योग पर वितरण कंट्रोल कहलाता है। इसी से मिलता जुलता दूसरा जो है वो है गुणन का दखलन पर वितरण कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज दखलन है आपका ए मल्टीप्लाई बाय ग्रेडिएंट बी माइनस सी, तो आपका हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय माइनस सी है तो ए हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए। ए जो प्रॉपर्टी है वो है क्या है कि गुणन का दखलन पर वितरण पर गुण, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये आपका चार प्रॉपर्टी है इसमें। फिर कोई गुणांक और उस गुणांक एक से गुणा कर दिया जाएगा तो वही गुणांक आता है, तो आपका कहलाता है गुणात्मक प्रश्न। मान लीजिए a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू क्या होगा, ये है गुणात्मक प्रश्न, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर्टी था, वो भी किसे ले लेते हैं, ये जो टॉपिक है वह गुणांकों के गुणन के गुण से लेते हैं। टॉपिक क्या है, गुणांकों के गुणन के गुण। तो पहला है संवर्ग प्रगुण था आपका, ठीक है, और उसके बाद दूसरा था प्रगुणीय प्रगुण, तीसरा है साक्षर प्रगुण, चौथा है वितरण प्रगुण। और वितरण प्रगुण के दो, एक है गुणन का योग पर वितरण प्रगुण और दूसरा है गुणन का प्रगुण पर वितरण प्रगुण, ठीक। तो आपका ये प्रगुण है और अगर दो पूर्णांकों का भाग होने क्या होगा, एक पूर्णांक ही होता है, एक
कितना लिखिए प्रमोद, इस प्रोसेस में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू नॉट b डिवाइडेड बाय a, ये प्रॉपर्टी जो ट्रैक्टर में है प्रमोद ये पूर्णांकों के भाग अप्लाई नहीं हो सकता, इस प्रोसेस पे ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है। चार चल इसमें भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी सॉल्व नहीं करेगा इक्वल टू नॉट ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइड बाय सी, ये भी प्रॉपर्टी से अप्लाई नहीं है, कोई दोनों प्रॉपर्टी से अप्लाई नहीं है। फिर आपका जो है अगला प्रॉपर्टी है तो भाग का तत्समक वर्ग है, ये इसके अकॉर्डिंग a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, अगर a में 1 से डिवीजन करें तो a ही आएगा और आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शून्य प्रगुण। शून्य प्रगुण में क्या होता है कि अगर हम a से a में जीरो से विभिन्न करें तो क्या आया आप्रभास, आप्रभासित हुआ ठीक है ना, डिवाइड इसको डिफाइन नहीं किया a डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू नॉट, तो ये प्रॉपर्टी है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उसको देख लेते हैं। जो आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली वन, फर्स्ट है क्वेश्चन की प्रयोग किए गए गुण का नाम, प्रयोग किए गए गुण का नाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सेवन मल्टीप्लाइड माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई सेवन। अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, इसमें देखिए क्रम में जो प्रॉपर्टी है क्रम में प्रगुण, क्रम में प्रगुण इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा क्योंकि इसमें क्या आ गया तो जितनी प्रॉपर्टी आपके लिखवाए गए हैं उसे आप कॉपी में लिख लीजिए ठीक है, और उसे तैयार कर लीजिए, और जब प्रॉपर्टी आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं हो सकती क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से। तो अगर प्रॉपर्टी आप कि दिमाग में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, अब क्वेश्चन जो टू है वो है उचित क्रम का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, उचित क्रम का उपयोग रियलाइजमेंट करते समय खास ध्यान में रखते हैं
कि जो सेम साइन के नंबर होते हैं उसको एक जगह अरेंज कर लिया है। अभी तो ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब जैसे कि आपको बताया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं कितना 100 मल्टीप्लाई माइनस 10 ठीक। अब एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और इसका आपसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1/0 यानी कि 1000। इस तरीके से भी अरेंजमेंट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी से मिलता जुलता है दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय -8 और मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इस क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करना है ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप रीअरेंज करें। तो जैसा कि आपको बताया गया है हम जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको एक साथ ऐड करते हैं, ये -2 मल्टीप्लाइड बाय ठीक, इसका मल्टीप्लाई किया गया कितना आया, इसका मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा नेगेटिव। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो इस जिसका जो मल्टीप्लाई किया जाएगा था किया ठीक है, इसका जिसमें मल्टीप्लाई ठीक है तो आपका ये तो ये आपका चालू सुना। तो ये तो आपका जो क्वेश्चन टू है उचित क्रम का प्रयोग यानी कि रीअरेंजमेंट करके आप इसका सॉल्यूशन पार्ट करना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन 3 है वो उचित गुण का प्रयोग करके मान लिया, अगला जो क्वेश्चन है वो है उचित गुण का प्रयोग करके मान लिया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिख दिया है ये है उचित गुण, ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक। क्वेश्चन चेंज का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है गुणन का वितरण कर, वितरण कर गुणन का वितरण पर वितरण कर इतनी प्रॉपर्टी आप ये अप्लाई कर सकते हैं आप ठीक है, गुणन का वितरण कर वितरण। अब देखो 1569 दोनों का क्या है, जिसको आप ऐसे ऐड करें 1 8 7 मल्टीप्लाई करें 1569 यहाँ पे -6 9 5 6 9 ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस बी में ऐड करें ठीक है, 1569 मल्टीप्लाई 7 है इस साइड में दोनों साइड माइनस इधर माइनस उधर आप देखिए कि क्या कौन सा नंबर है कि जो लोग दोनों तरफ, तो दोनों तरफ देखिए दोनों तरफ ये नंबर है जिसको आप आउट ऑफ ब्रैकेट ऐड करें और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको भी देंगे, यहाँ पे जो साइन आएगा उसको भी देंगे, बाकी इधर जो नंबर बच्चा उसको भी देंगे। आप इसको कीजिए लेने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 1 8 7 मल्टीप्लाइड है, इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस निकल गया है तो क्या आएगा आपका 1000 9 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
अब हम किसी नंबर में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के राइट साइड में 30 क्या करते हैं, ये जगह आपका 887 होकर क्लियर है, ये आपका। तो इस तरीके से अगर आप उचित गुण का प्रयोग करना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, औचित्य क्रम का प्रयोग करना है तो आप इसके पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में और आपको कुछ बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।